हथियारों से लैस दो दर्जन से भी अधिक बदमाशों ने घर में घुसकर युवकों पर किया हमला। मामला यमुनानगर के विशाल नगर बैंक कॉलोनी का है, जहां कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर दो युवकों पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें मोनू नामक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमलावरों ने किसी पुरानी रंजिश के कारण मृतक पर हमला किया। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 15 लोगों के नाम सहित और कई अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस हमले में मोनू के दोस्त के पिता भी घायल हुए हैं। शाम के टाइम मेरे घर घुसे 30-35 लड़के थे, अरिंद के हाथ में सारों के हाथ में राड़े, सारों के हाथ में राड़े, तलवारें और गंडासियाँ थी जी। तो उसके बाद इन्होंने मोनू को मारा। मोनू को बचाने के वास्ते मेरा डैडी गया बीच में जी, और मेरे डैडी को भी इन्होंने तलवारें मारी, ईंटें मारी। तो उसके बाद जी अपना मैं कोठे पे चढ़ के ईंटें मार लगा तो ये भाग गई। तो इसमें से बग्गे और जी बग्गा दिल्ली और इसका डैडी जसपाल, ये आ रखे हैं जी छुट पे जमानत पे हाई कोर्ट से बेल पे हैं जी। ठीक है जी, अरे टोटल आदमी थे ये बग्गा, अरे ये डल्ली निक्का, अरे लोटा पौआ हजरू जैलदार, अरे आसिफ, और उसका क्या नाम है मोनू भैया, और गोरा। ठीक है, विशाल नगर में झगड़ा हो गया है, इसमें एक लड़का मोनू नाम का लड़का जो है घायल हुआ है। जिस सूचना पर हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो पता चला कि जिंदल हॉस्पिटल रेफर हो गया है। जिंदल में जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया और वापसी वो सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी के लिए आए, जहाँ उसके भाई रामेश्वर यादव ने अपना बयान अंकित कराया है कि साहिल रोहित लोटा पक्का वगैरह करीब 15-16 लड़के और कुछ अन्य जिन्होंने गिंदी सरदार के घर, जब मोनू और गिंदी थे उस टाइम उनके घर पर हमला करके उनको चोटें पहुँचाई है। उन्हें पता लगा है कि गिंदी के पिताजी को भी चोटें आई हैं और उसमें हमने मामला 302 दर्ज कर दिया है। 15 लड़के भाई नेम है, 5-7 अन्य हैं।